दोस्तों सर्दियों के मौसम में ज्यादातर लोग जो है अपने घरों पे इलेक्ट्रिक रूम हीटर लगाना पसंद करते हैं। वैसे अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि मार्केट में जो है तीन अलग अलग तरीके के रूम हीटर हमें मिलता है। पहला जो है वो ऑयल फील्ड रूम हीटर, दूसरा है वो इंफ्रारेड, और तीसरा भी मिलता है वो है फैन हीटर। कैसा लगा मेरा मजाक? अभी तीनों में से कौन सा बेस्ट है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। साथ में आपको बताने वाला हूं कि अलग अलग प्राइस सेगमेंट में कौन से बेस्ट रूम हीटर है वो अवेलेबल है Amazon या Flipkart। तो चलिए अभी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कुछ ऐसे बेस्ट रूम हीटर के बारे में जो आप अपने लिए अलग अलग प्राइस सेगमेंट में खरीद सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंजस और आप देख रहे हैं चैनल टेक 24/7। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। दोस्तों शुरुआत करने से पहले आपसे गुजारना है, अगर आप हमारे चैनल में नए आए तो नीचे देखिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूले, ताकि हर दिन जो टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई नई नई वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो चलिए अब जान लेते हैं तीन अलग अलग तरीके के जो रूम हीटर जो अवेलेबल है मार्केट में, उसके बाद में आपको बताऊंगा कि कौन से रूम हीटर आपको खरीदना चाहिए जो ऑनलाइन Amazon और Flipkart में अवेलेबल है। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पर जो तीन तरीके का जो रूम हीटर अवेलेबल है मार्केट में, पहला जो है वो है ऑयल फील्ड रूम हीटर, दूसरा जो है यहां पर फैन हीटर और तीसरा जो है इंफ्रारेड। अभी ऑयल फील्ड रूम हीटर क्या होता है? दोस्तों ऑयल फील्ड रूम हीटर जो होता है उसके अंदर ऑयल फील्ड का टेक्नोलॉजी होता है, एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और इस टेक्नोलॉजी की मदद से दोस्तों आपको किसी भी तरीके का जब आप हीटर ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन बर्न के साथ साथ आपको यहाँ पर ह्यूमिडिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो नॉर्मली जैसा देखा गया है कि हम जब रूम हीटर यूज करते हैं तो ऑक्सीजन बर्न और ह्यूमिडिटी का प्रॉब्लम घर पर आ जाता है, लेकिन ये जो ऑयल फील्ड टेक्नोलॉजी वाला जो रूम हीटर दोस्तों, इसको आप यूज करने के बाद जो है आपको किसी भी तरीके का जो है ऑक्सीजन बर्न और आपका ह्यूमिडिटी का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपके घर पर जो है कोई छोटा बच्चा है तो आप इसको बड़ी आसानी से आप इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि यहां पर काफी अच्छा प्रोटेक्शन भी दिया जाता है। साथ ही दोस्तों यहां पर ऑक्सीजन का जो प्रॉब्लम नहीं होता, इसके कारण बच्चों को किसी भी तरीके का जो है यहां पर इरिटेशन नहीं होगा, साथ ही दोस्तों किसी भी तरीके का बॉडी में रैशेज नहीं आएगा, और इसके अलावा दोस्तों यहां पर किसी भी तरीके का आंखों का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अरे कहना क्या चाहते हो? वो तो आपके घर पे अगर मान लीजिए कोई अगर अस्थमा के भी पेशेंट है तो आपको ये वाला जो है इलेक्ट्रिक रूम हीटर आपको यूज करना चाहिए, यानी कि ऑयल फील्ड टेक्निक वाला। वैसे दोस्तों ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है बाकी दूसरे रूम हीटर से, लेकिन दोस्तों एक बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हमें मिलता है। और मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आपको कोई बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस रूम हीटर को खरीद सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसका प्राइस आपको ज्यादा मिलता है देखने को मिलेगा, और दूसरा इसको इलेक्ट्रिसिटी भी थोड़ा सा ज्यादा कंज्यूम करता है। अभी दूसरे टाइप का जो हीटर है वो है फैन हीटर। अभी ये हीटर किनको लेना चाहिए? जिनका घर मान लीजिए काफी बड़ा है और साथ ही अगर आपको फास्ट मान लीजिए रूम अगर आपको गर्म करना है तो दोस्तों आपके लिए काफी बेस्ट ऑप्शन है ये फैन हीटर। साथ ही दोस्तों यहां पर आपको प्राइस भी काफी अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये रूम हीटर आपको मिल जाता है, और इसके अलावा मार्केट में ये दोस्तों रूम हीटर अलग अलग ब्रांड में अवेलेबल है और काफी सारे ब्रांड जो है अपना ये फैन हीटर मार्केट में लॉन्च किया हुआ, तो आपके सामने जो है काफी सारा अलग अलग ऑप्शन आपको ये मिलता है। और इसके अलावा दोस्तों ये जो सिरामिक ऑयल का टेक्नोलॉजी इसमें जो यूज किया हुआ है, जिसके कारण आपको जो है सराउंडिंग एयर जो आपको मिलता है वो काफी वार्म और काफी आपको जो है एक नेचुरल आपको इसमें फील होगा। तो ये था फैन हीटर के बारे में। तो अगर आपको मान लीजिए बंगला है आपका बड़ा, और या मान लीजिए अगर आपका फ्लैट में भी अगर रह रहे हैं कि आपका बड़ा फ्लैट है और आपको फास्ट अगर मान लीजिए कुछ गर्म करना है आपका रूम, और आप मान लीजिए ज्यादा ठंड वाले एरिया में रहते हैं, तो भी आप जो है आपके लिए फैन हीटर एक काफी अच्छा एक ऑप्शन है। दोस्तों अब तीसरा जो रूम हीटर निकल के आता है वो है इंफ्रारेड हीटर। अभी ये जो दोस्तों एक बहुत ही बजट फ्रेंडली हीटर हमें मिलता है, और ये उनको लेना चाहिए जिनका रूम मान लीजिए छोटा है और या घर छोटा है, उनके लिए ये इंफ्रारेड हीटर काफी बेस्ट ऑप्शन है। तो अगर आपको दोस्तों सिंगल यूज करने के लिए अगर रूम हीटर खरीदना है तो आप इंफ्रारेड हीटर आप यूज कर सकते हैं। और ये जो इंफ्रारेड हीटर जो दोस्तों ये किस 700-800 रुपए का प्राइस में जो अलग अलग प्राइस सेगमेंट में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी कुछ अलग अलग तरीके के रूम हीटर के बारे में। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में कुछ ऐसे बेस्ट बजट रेंज के रूम हीटर के बारे में जिसको आप अपने प्राइस सेगमेंट के हिसाब से या जरूरत के हिसाब से आप खरीद सकते हैं। दोस्तों पहला जो रूम हीटर निकाल के आता है वो उषा ब्रांड का, और ये जो दोस्तों इंफ्रारेड आपको रूम हीटर मिलता है जिसमें आपको 800 वॉटेज का जो यहां पर आपको कॉइल मिलेगा, साथ ही दोस्तों ये आपको एक साल वारंटी आपको मिलता है। इसके अलावा अगर आपको आपका रूम जो है मान लीजिए 120 से 150 स्क्वायर फीट का है तो आप इस रूम हीटर को आप खरीद सकते हैं। वैसे दोस्तों ये काफी बजट फ्रेंडली ये रूम हीटर है और इसकी कीमत जो है आपको करीब ये 1200 से 1300 रुपए के प्राइस में आपको देखने को मिल जाएगा। और जितने मैं आपको रूम हीटर बताऊंगा दोस्तों सारे का मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, तो मान लीजिए कोई भी आपको पसंद आता है आप डायरेक्टली आप Amazon में जाके आप खरीद सकते हैं। और दोस्तों ये था हमारे लिस्ट में पहले नंबर। तो दोस्तों दूसरे नंबर का इंफ्रारेड हीटर है वो है लाइफलॉन्ग ब्रांड की तरफ से, जिसमें हमें 800 वॉटेज का आउटपुट मिलता है। साथ ही दोस्तों हमें यहां पर दो अलग अलग पावर सेटिंग मिलता है, पहला जो है 400 वॉट का, दूसरा जो है 800 वॉट का, यानी कि दो अलग अलग आप पावर सेटिंग आप यहां पर यूज कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर आपको ज्यादा हीटिंग करना है तो आपको 800 वॉटेज के आपको मोड में जाना होगा, या मान लीजिए कम हीटिंग आपको रूम को करना है तो
400 वॉटेज के आप मोड में आप जा सकते हैं। और अगर आपका मान लीजिए रूम जो है दोस्तों 150 से 200 स्क्वायर फीट का है तो आप इस रूम हीटर को आप यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों इसकी जो कीमत है करीब आपको ये 1000 से 1100 रुपए का प्राइस आपको अमेजोन में मिल जाएगा। इसका मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों तीसरे नंबर का जो रूम हीटर है वो है ऑर्पेड ब्रांड का, जिसमें हमें 2000 वॉट का फैन हीटर मिलता है। और वैसे दोस्तों अगर आपका मान लीजिए रूम 250 से 300 स्क्वायर फीट का और आपको काफी फास्ट आपको मान लीजिए रूम को गर्म करना है तो आपके लिए ऑर्पेड का रूम हीटर काफी एक बेस्ट ऑप्शन है। और इसकी जो कीमत है दोस्तों कुछ आपको ये 1000 रुपए का प्राइस में आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो रूम हीटर है दोस्तों ये आता है 1 साल के वारंटी के साथ। इसका मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया, आप जाके चेक कर सकते हैं। वैसे दोस्तों मार्केट में बहुत सारे ऐसे रूम हीटर अवेलेबल है फैन हीटर के ऑप्शन में, और उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया। मैंने ज्यादा तो हीटर के बारे में आपको नहीं बता रहा हूं फैन हीटर का, और लेकिन अगर आपको ज्यादा कुछ जानना है अलग अलग ब्रांड का आपको जानना है फैन हीटर के बारे में तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दिया हुआ है अलग अलग 3-4 अलग अलग ब्रांड के फैन हीटर के बारे में तो आप जाके चेक कर सकते हो। वो वन ऑफ द बेस्ट रूम हीटर है वो हमने जो रिकमेंड किया हुआ है। अब दोस्तों चौथे नंबर का रूम हीटर निकल के आता है वो है हेवल ब्रांड का, जो कि एक फैन हीटर है और इसका जो मॉडल नाम है वो है पैलिडियो। अभी इस रूम हीटर की खास बात ये है कि पहला दोस्तों आपको यहाँ पर PTC फैन हीटर मिलता है, जिस टेक्नोलॉजी की मदद से दोस्तों आप अपने रूम को काफी फास्ट आप गर्म कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको 2000 वॉट का आपको यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा, और ये दो अलग अलग आपको यहाँ पर हीट सेटिंग आपको देखने को मिला, पहला है 1300 वॉट का, दूसरा है 2000 वॉट का। और इसके अलावा ये 1 साल के वारंटी के साथ आता है, और इसकी कीमत दोस्तों थोड़ी सी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, यानी 3699 रुपए। लेकिन दोस्तों ये जो टेक्नोलॉजी है जो इन्होंने इस फैन हीटर में जो यूज किया हुआ है वो काफी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और काफी ये जो है एक प्रोटेक्टेड हमें फैन हीटर मिलता है। और घर पे वाली अगर आपके कोई छोटे बच्चे हैं तो आप ये फैन हीटर को आप खरीद सकते हो, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर जो ये सामने में काफी ये जो ग्रिल जो लगा हुआ है ये काफी प्रोटेक्शन देता है हमें किसी भी तरीके का जो है अनवांटेड सिचुएशन है, यानी कि मान लीजिए कभी ये गिर भी जाता है तो ये ऑटोमेटिक जो है ऑफ हो जाता है। और ये जो है दोस्तों गर्म हो जाने के बाद जो है इसका एक टेक्नोलॉजी है कि यहां पर जो है ऑटोमेटिक जो है एक पर्टिकुलर टेंपरेचर के बाद जो है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी भी इसमें अवेलेबल है। और इसकी कीमत जो मैंने आपको बताई दी 3699 रुपए, इसका मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अब जान लेते हैं दोस्तों कुछ ऐसे रूम हीटर के बारे में जो कि ऑयल फिल्ड टेक्नोलॉजी पे है, और ये दोस्तों निकल के आता है वो है बजाज मैजेस्टी, और ये इसका रूम हीटर का नाम है, और ये बजाज ब्रांड की तरफ से है दोस्तों। और इस रूम हीटर का दोस्तों खास बात ये है कि पहला जो है ये 2400 वॉट का यहाँ पर ऑयल फिल जो है रेडिएटर रूम हीटर हमें मिलता है, और इसके अलावा यहाँ पर 3 अलग अलग आपको जो हीटिंग का मोड देखने को मिलेगा। पहला जो है वो है 800 वॉट का, दूसरा जो है 1200 वॉट का, तीसरा जो है यानी कि 2000 वॉट का। तो अपना आप देख लीजिए कैसा आपका यूजर्स है, मान लीजिएगा आपको रूम जो है ज़्यादा फास्ट आपको गर्म करना है तो आप वैसे ही आप उसी मोड पर आप चेंज कर सकते हैं, या मान लीजिए अगर आपका रूम जो है मान लीजिए ज़्यादा बड़ा है तो आप जो है थर्ड मोड पे रख के जो है आप उस रूम को आप ज्यादा फास्ट जो है गर्म कर सकते हैं। और ये आता है दोस्तों हमारे पास जो है कुछ 2 साल की वारंटी के साथ आपको ये मिलता है, और इसके अलावा इसकी जो कीमत है दोस्तों वो कुछ 9480 रुपए की कीमत में आपको ये मिल जाएगा। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया था, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारे लिस्ट पे 5वें नंबर पे बजाज बैरेस्टी RH9F+। अब दोस्तों 6ठे नंबर का आखिरी जो रूम हीटर है वो हेवल ब्रांड का, जिसका मॉडल नाम है वो है OFR9 फिन, और ये जो रूम हीटर है दोस्तों वो है ऑयल फिल्ड रूम हीटर, और इसमें आपको मिलता है 2400 वॉट का PTC रूम हीटर फैन मोड के साथ, और इसके अलावा यहाँ पर आपको ऑयल फील रेडिएटर तो मिलता ही है। वैसे ये ऑयल फील हीटर है, और अगर आपको कोई ऑयल फील रूम हीटर खरीदना है तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। और ये आता है दोस्तों 2 साल के वारंटी के साथ, और इसकी दोस्तों जो कीमत है वो कुछ 8397 रुपए का प्राइस में आपको देखने को मिलेगा, और इसका मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। वैसे दोस्तों ये जो 6 मैंने आपको रूम हीटर बताया इसमें से कौन सा आप खरीदना पसंद करेंगे नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। और अलग अलग दोस्तों रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सा जो रूम हीटर अवेलेबल है जिसको आप खरीद सकते हैं, और सारे रूम हीटर का दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, तो आपको कोई भी अगर पसंद आता है तो आप डायरेक्टली आप अमेजोन में जाके आप चेक कर सकते। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता आपको पसंद आएगा। इसके अलावा भी अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। साथ ही दोस्तों अभी हर रविवार को जो है मैं शाम 5 बजे जो है इंस्टाग्राम में लाइव आने वाला हूँ, तो अगर आपने हमें इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम भी फॉलो कर दीजिए, उसका मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, तो आप जो हमें इंस्टाग्राम में वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल है, कुछ डिवाइस खरीदना है, या कोई आपको ऐसा गैजेट के बारे में कुछ आपको जानकारी चाहिए तो मुझे आप इंस्टाग्राम में वहाँ पर मैसेज करके डायरेक्टली जो है आप वहाँ लाइव सेशन में आप पूछ सकते हैं। तो मिलता है दोस्तों आपको अगले वीडियो में। इस वीडियो तो आखिरी तक बने रहने के लिए और अपना प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।